हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने एग्ज़ाम वॉच के यूट्यूब चैनल पे। आज है 6 जून और 6 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़ बन सकती है सब अपन अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे विथ फैक्ट्स। सो पूरे वीडियोज़ को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोज़ को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जून, 5 जून, 2 जून और 6 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और इस बार की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी एयर पॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में फिर से निपा वायरस की पुष्टि हुई है? तो निपा वायरस क्या है? निपा वायरस एक जूलॉजिकल वायरस है जो कि ट्रांसमिट होता है एनिमल से, जानवरों से इंसान के अंदर, और दूषित खानों से भी फैलता है ये, और इंसान से इंसान के बीच में भी निपा वायरस फैलता है। और इसकी पुष्टि कौन से राज्य के अंदर हुई है? ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि केरल का सीएम कौन है? केरल का सीएम है पिनाराई विजयन। वहाँ का गवर्नर कौन है? गवर्नर है इसका पी साथा सेवम, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। तो करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसके लिए जो टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किस समिति ने डिजिटल पेमेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए 24 घंटे में सभी शुल्क हटाने का सुझाव दिया है? तो आजकल के अपन जो डिजिटल पेमेंट्स करते हैं उसमें कुछ ना कुछ शुल्क लग रहा है, तो उस शुल्क को हटाने के लिए, जिससे हम और भी लोग जो डिजिटल पेमेंट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं वो भी डिजिटल पेमेंट्स को यूज़ करें, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये शुल्क को हटाने का सुझाव दिया गया है एक समिति के द्वारा। वो समिति कौन है? इसका ऑप्शन है कस्तूरी रंजन समिति, रघुराम राजन समिति, नंदन नीलकंठ समिति या फिर नन। नन मीन्स कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नंदन नीलकणी समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिको इंडिया भारत के किस राज्य में फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी जी। और वहाँ के गवर्नर कौन है? राम नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण क्षेत्र में WHO से सम्मान मिला है? तो WHO क्या है? WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर क्या है? जिनेवा के अंदर है। और इसका हेड कौन है? टेड्रोस एडमोन, ठीक है। तो कौन से भारत के किस राज्य को WHO से सम्मान मिला है, क्योंकि इस राज्य ने क्या किया, तंबाकू को नियंत्रण करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कल्याण सिंह, राजस्थान के, ठीक है। कुछ ये आगे भी करंट चलता रहेगा, बट उससे पहले कुछ हम आपके लिए जीके बूस्टर हम आपके लिए लिखे आए हैं, जल्दी से अपन देख लेते हैं क्या है। भारत के इतिहास के प्रमुख कुछ युद्ध देख लेते हैं। एक है हाइडेस्पीस का युद्ध। हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में। कर्लिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, जिसमें अशोक ने कर्लिंग पर आक्रमण किया था और युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध ना करने की कसम खाई थी। तीसरा युद्ध अपन देखें तो सिंध की लड़ाई है, जिसमें मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। चौथा और पाँचवा युद्ध तराइन का युद्ध है। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध है, तराइन का द्वितीय युद्ध है। प्रथम युद्ध के अंदर इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, और दूसरे तराइन के द्वितीय युद्ध जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, ठीक है। छठा क्वेश्चन अपन देखें, वित्तीय साक्षरता RBI द्वारा कब से कब तक मनाया गया? तो वित्तीय RBI, पहले RBI के बारे में अपन देख लेते हैं। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अब इसका ऑप्शन देखें कि भाई कब साक्षरता RBI द्वारा जो कब से कब तक मनाया गया है। ऑप्शन है 5 से 10 जून, 1 से 7 जून, 3 से 7 जून या फिर नन। तो इसका आंसर क्या है? 3 से 7 जून, ठीक है। RBI के गवर्नर ध्यान रखना शक्तिकांत दास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की घोषणा की रही है? तो अभी आगे आप न्यूज़ समाचार भी कुछ भी देख रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं या न्यूज़ भी देख रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन न्यूज़ है कि कौन से राज्य सरकार ने फ्री यात्रा औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए फ्री कर दी है। ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सरकार या नन। तो इसका आंसर है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार का सीएम कौन है? सब जानते हैं दिल्ली सरकार का सीएम कौन है। तो दिल्ली सरकार का सीएम है अपने अरविंद केजरीवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला कहाँ पे बन गया है? ब्लॉकचेन अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो इस ब्लॉकचेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक तरह की बिटकॉइन, जो अगर आपने देखा होगा बहुत ही न्यूज़ के अंदर बिटकॉइन बहुत ज़्यादा फेमस था अभी कुछ महीनों पहले। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक तरह की डिजिटल करेंसी है जो दिखती नहीं है। ठीक है, तो ये पहला ब्लॉकचेन भारत के अंदर कहाँ पे बन रहा है? ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद या नन। तो आंसर है इसका हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, तो हाल ही में उज्जीवन स्माइल स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशक बनाए गए हैं। तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंगलोर, कर्नाटक के अंदर। इसके निर्देशक किसको बनाया गया है? ऑप्शन है रमेश सोनी, राजीव कुमार और संजीव बंसल या नन। तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन बंसल। सचिन बंसल किसके निदेशक बनाए गए हैं? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का किस दूसरे मंत्रालय के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है? ऑप्शन है कपड़ा मंत्रालय, बल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या नन। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय को भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है। ठीक है, अब कुछ अपन देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने हमारे सारे पहले के सारे वीडियोस देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होगा। तो हाल ही में बैडमिंटन एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सोचें, 3 2 1, टाइम ओवर। तो इसका आंसर है आदेश सुबोहो। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर अपन देख लें, भाई भारत अगर सीजीएल, अभी आपको पता है कि सीजीएल का एग्जाम चल रहा है और इसमें लोक नृत्य से बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एनटीपीसी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको भारतीय लोक नृत्य का मिल जाएगा, आप जाके सर्च करें। लोक नृत्य को विद ट्रिक के साथ हमने आपको एक्सप्लेन कर रखा है और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं साइंस के, केमिस्ट्री के, तो वो भी आप देखना ना भूलें। ठीक है, आपको करना क्या है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे आने वाले जो भी वीडियोस हैं आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय।